अपने जो हाथों से जो चल रही है, इन्होंने ना तो कभी आशा लगाई कि हमें सरकार के द्वारा कुछ अनुदान मिले, क्योंकि हम उनकी बहन हैं, इनके अंदर कोई ऐसा भाव भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हमें यदि त्याग के रूप में यदि हम देखें कि एक बार दिखा सकते हैं ये कितना अच्छा यहाँ का वातावरण है, ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और बहुत ही सुंदर यहाँ से हिमालय का जो स्थान है यहाँ से प्रारंभ होता है, यहीं से हिमालय की यात्रा गंगोत्री की यमुनोत्री की और सामान्य जीवन जीते हुए। आलोचना करने के लिए बहुत लोग आलोचना करते होंगे, आप अपने जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जो पहले इस देश में शासन कर सके करे हैं, जो प्रदेश में अपने उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती जी हों, चाहे अपने और भी कोई हो, चाहे मैं किसी की बुराई तुलना नहीं करता, लेकिन यदि उनके परिवार को कभी आप झांक के देखेंगे, उनके परिवारों को देख के जाएंगे तो बड़े बड़े बंगले मिलेंगे, बड़ी बड़ी कोठियां मिलेंगी और वो कहीं में कहीं से सरकार का धन होता है। तो इसके लिए देशवासियों से हमें भी गौरव होता है कि ऐसे त्यागी जो हमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मिले हैं और आगे चल के उनकी देश में एक हमें बड़ी सेवा मिले, उसके लिए हमें पूरे देशवासियों को निरंतर प्रयास करना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में एक ऐसा योगी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमें प्राप्त हुआ है कि जिसके त्याग के बारे में आगे चल के हो सकता है कि इतिहास भी लिखे जाएंगे और लोग उनसे जीवन जीवन में प्रेरणा मिलेंगे। वर्तमान में भी बहुत गौरव और बहुत ही गौरव करते हैं, वर्तमान में भी बहुत लोग गौरव करते हैं, लेकिन आज भी लोगों को ऐसी चीजें नहीं मालूम होती हैं क्योंकि मीडिया चैनल के माध्यम से बुराइयां समाज में ज्यादा दिखाई जाती हैं, लेकिन किसी के त्याग को कहीं में कहीं दबा दिया जाता है, कहीं में कहीं जो विरोधी तत्व होते हैं उसको दबा देते हैं। तो इसके लिए आज हमें आने का अवसर मिला, सभी दर्शकों को एक बार धन्यवाद प्रणाम करते हैं और माता जी को भी हम हृदय से प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ओम ऐसी ये हमारा जी का बेटा है। अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं, आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के, उनके भांजा जी आपके सामने बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? सुख अरविंद जी बैठे हुए हैं। हम परमात्मा से कामना करते हैं कि अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से ये भी मामा की तरह इस जगत का, इस समाज का नाम रोशन करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच में कितना सुंदर, बहुत सुंदर दृश्य है। नीलकंठ आश्रम बहुत दूर दिखाई दे रहा है, जो बहन जी की दुकान है आप देख सकते हैं। और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो चाहिए।